वेल हेलो गाइस, मैं हूँ अरुण और आज आप सभी के सामने मैं पेश हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप किसी भी फाइल को कैसे रीनेम कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को कमांड प्रोमोट की मदद से। तो फिर चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और इसके साथ मैं पहले मैं अपना कमांड प्रोमोट खोल लेता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, और अब देखिए मुझे रीनेम किसको करना है। यहाँ पे स्नेक्स नाम का एक फोल्डर है, मैं उसको रीनेम करना चाहता हूँ। मैं इसका नाम रखूँगा मैं बस यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो फिर चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे रीनेम करते हैं। इसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ता है रीनेम। अगर आप इसको करें एंटर करेंगे, देखिए सिंटैक्स ऑफ दिस कमांड इज इनकरेक्ट, यानी ये कमांड है बस सिंटैक्स इनकरेक्ट इनकरेक्ट है। तो फिर मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल, और अब देखिए माइक। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना क्या है, रीनेम किसको रीनेम करना है, स्नेक्स इसको किस में रीनेम कर देना है, यूट्यूब ट्यूटोरियल में, यूट्यूब ट्यूटोरियल। अब देखते जाए कमाल, अब वो देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल रीनेम हो गई। और इसके साथ ही अगर मैं इसको फिर से करूँ रीनेम करना चाहता हूँ, तो फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल देंगे, और यहाँ पे फिर से रीनेम करने के लिए पहले मैं उस डायरेक्टरी में चला जाऊंगा, और इसमें रीनेम यूट्यूब ट्यूटोरियल किसमें रीनेम कर देता है, वापस से स्नेक्स, एंटर। देखते हैं फिर से रीनेम हो गया, देख सकते हैं इसका मतलब कि ये बहुत ही ईजी है। और इसके साथ मैं आपको एक और जगह ले जाऊंगा, और जहाँ पे मैं हमेशा ले जाता हूँ, और उम्मीद है आप वही करेंगे जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और उसको कहते हैं आपको यहाँ पे आना है और वही करना है जो हमेशा से करते हैं, सब्सक्राइब। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और ऐसा ही चलता रहा है तो क्या करना है। देखिए ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है इसको कैसे सब्सक्राइब करते हैं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये करना है और इसके साथ ये भी। और उम्मीद है आप वीडियो को लाइक कर देंगे यार। अगर वीडियो डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भी क्या खोल पाऊँ यार।